हेलो गाइस, गुड गुड मॉर्निंग। और अभी अभी हुई है मेरी मॉर्निंग और मैंने जैसे तैसे बाल बना लिया है, तो मैं अभी कर रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज है मेरा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ऑफिस में अनाउंसमेंट हुई है कि 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम होगा एंड 3 डेज़ का वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा। तो वो क्यों रखा है वो मुझे नहीं पता, बस हम इतने में खुश है कि वर्क फ्रॉम होम है 2 दिन। तो मे बी शायद कोरोना आ रहा है, आई डोंट नो कि क्यों रखा है, बट फिलहाल रखा है। अगर आपको आइडिया है, कोई ऑफिस जाने वाला है उनको ऐसा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्यों रखा है। तो बेसिकली आज तो जैसे है वर्क फ्रॉम होम, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। तो आज के पूरे दिन में मैं जो भी करने वाली हूँ वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो सो गाइज, ये है आज का ब्रेकफास्ट, रोटी विद सब्जी, हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। ये है वाटर। तो फटाफट हम लोग रोटी सब्जी एंड चाय को करते इंजॉय। अब मिलती है आपसे थोड़ी देर बाद। मेरे फेस को आपको पूरा देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, बट व्लॉग स्टार्ट करना था तो बस उठा लिया फ़ोन हाथ में और जस्ट सो के उठी थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। सो यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है और मॉम ने ला दिया था लंच बना के। सुबह सब्ज़ी रोटी खाई थी, बट फिर भी मॉम ने खिचड़ी, चने की खिचड़ी, जो चना मेरा फेवरेट है, और ये टमाटर की चटनी बना दी थी। तो वो तो एक माँ है, कैसे असर छोड़ेगी। तो इतना टेस्टी टेस्टी लंच ला दिया था और मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि ये कैसा बना है। तो लेट्स हैव अ फर्स्ट बाइट ऑफ दिस टेस्टीएस्ट खिचड़ी। तो हेयर वी गो। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी एंड बहुत टेस्टी है। रियली मैं अच्छा बना था, और चना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही। तो अब हम ट्राई करेंगे ठेसा, मराठी में जो कहते हैं ठेसा, और हमारे हिंदी में कहते हैं इसे टमाटर की चटनी। तो अब ये खा के टेस्ट। तो हियर वी कम विद द स्नैक्स। और मेरी बहन आ चुकी थी ऑफिस से, तो उसने लाए थे कबाब पाव, मार्केट के कबाब पाव। तो ये हमने घर में नहीं बनाया, ये मेरी बहन ने ख़रीद के लाया है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब लाइक इंजॉय कर सकते, थोड़ा बहुत खा सकते हो। तो इसमें ग्रीन चटनी, कबाब, अनियन, ये और मेयोनेज़ डालते हैं, और उस साइड पे कुछ नहीं लगाते, एक ही साइड डालते सब कुछ। तो इसको खाते करते हैं इंजॉय। तो इसका फर्स्ट बाइट हमने ले लिया है एंड इट इज ओके, और ठीक है, अभी इंजॉय कर लेते हैं फटाफट अपना स्नैक्स एंड मिलती हूँ आपको डिनर टाइम पे। तो गाइस, अभी ये है फिश जो मम्मी आज सुबह सुबह जब हम सब सोए थे तब जाके लेके आई है। तो फिशेस फ्राई होने लगे हैं। ये जैसे निकलेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सो मॉम ने ये इतने फिश फ्राई कर दिए थे और इसे पे गार्निशिंग कर रही थी मम्मी कोरिएंडर से। तो इतने फिश को हम लोग इंजॉय करेंगे, तब तक दूसरे फ्राइड होएंगे, और बहुत ज़्यादा डिलीशियस, जूसी जूसी दिख रहे हैं फिश। सो गाइस, भाजी हो गई है रेडी, और ये आप देख सकते हैं फिश, फिश करी भी बनी है एंड फिश फ्राई भी बना है। सो फाइनली रेडी है हमारा डिनर, और फ्राइड फिश, फिश करी, 2 रोटी एंड राइस विथ निम लेमन। तो फटाफट इसे टेस्ट करके देखते हैं, दिखने में तो दिख ही रहा है इतना ज़्यादा यम्मी, आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, बट कुछ नहीं कर सकते, आपको मन है तो आप भी जाके बनाइए और अपनी मम्मी को दिखाइए ये वीडियो, और उनसे इंसिस्ट कीजिए बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एंड बहुत ज़्यादा गर्म भी था। फ्राइड फिश टेस्ट करके देखते हैं।
एंड फ्राइड फिश भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, जूसी एंड वेरी टेस्टी थी। तो आप लोग देख ही सकते कितनी जूसी दिख रही है एंड वेरी वेल कुक्ड है। और मुझे ये फ़िश इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्मेल ही नहीं होती है। एंड देखो कितनी जूसी जूसी बनी हुई है सी, इसलिए मुझे ये फ़िश बहुत अच्छी लगती है। हेलो गाइस, सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैंने चेंज कर लिया एंड एड्रेस में आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई में तो है, अगर आप लोग कहीं और से देखो तो मुझे नहीं पता। और तो मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ फटाफट। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है क्योंकि थोड़ा सा काम था ऑफिस का, तो थोड़ा सा शॉर्ट है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट लॉन्ग वीडियो। और अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है चैलेंजेस वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं वैसा बनाऊँगी। आप लोग कम्युनिकेट कमेंट के थ्रू कर सकते हो और मैं डेली चेक भी करती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। तो जिसकी चैलेंज वीडियो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसे ज़रूर करूँगी और उन्हें उस वीडियो पे शॉर्ट आउट भी दूंगी। तो फिलहाल फटाफट ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। भले शॉर्ट हो या लॉन्ग हो मैं डेली अपडेट्स आपको देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।